शुक्रमाननगरी वीर्यं निजानि सर्वतम पश्यन्नात्मनि मालया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते संभोगे विप्रलम्भे निर्भयमभयम् वाति भूतोरसानाम् विक्षेपे वा समाधौ विहरणनिपुणां ब्रह्मविद्यैव नूनम् इत्थं लोकैरशोकैर्दिशि दिशि बहुधा भाव्यमानो वधूः। श्रीपूर्णानन्दतीर्थः पतिपतिपतिकान् नन्दयन् भक्तरीति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान श्री कृष्ण के दोनों हाथ व्यस्त हैं, स्तोत्रवेत्रैक पाणये, एक हाथ में है बागडोर और चाबुक, घोड़ों की बागडोर और चाबुक दोनों है, और एक हाथ में है ज्ञान मुद्रा, तर्क मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ऐसे हाथ दागिना करके समझा रहे। माने एक हाथ से अर्जुन के रथ के घोड़ों को रोकते हैं, और रोकने की दो प्रणाली है, पकड़ते भी हैं और चाबुक भी रखते हैं, नियंत्रण है, दंड देने का भय है। और ये केवल नियंत्रण बागडोर और केवल चाबुक दंड, इन दोनों के द्वारा कब तक घोड़ों को रोका जा सकता है, तो वो समझ दे रहे हैं जिससे ये स्वयं ही रुक जाए। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत सुहे नमः। और ये हैं प्रपन्न पारिजात, जो शरण में आ जाए उसके लिए कल्प वृक्ष, जो मांगो सो मिले। यदि अपने जीवन में, जीवन के रथ में जो जुटे हुए घोड़े हैं, इंद्रियां हैं, वे नियंत्रित हों और साथ साथ विवेक हो, नियंत्रण में स्वच्छंद क्रिया की निवृत्ति है, और ये है सत्। सत्य में आकार फूटते हैं और सत्य के आधार पर ही क्रिया होती है। क्रिया श्रेयत्वम द्रव्यत्वम, जिसमें क्रिया होए उसका नाम द्रव्य। वेदांती लोग खंडन करते हैं, नैयायिक लोग प्रतिपादन करते हैं, गुण क्रिया श्रेयो द्रव्यम। जहाँ कहीं गुण दिखता है वो किसी न किसी में होता है, जहाँ कोई क्रिया दिखती है वहाँ किसी न किसी में होती है। तो धर्म की क्रिया का जो आधार है, कर्म का जो आधार है, वो सत्य है, और वो सत्य के जितना निकट रहती है उतना ही अधिक उसमें धर्म रहता है, और सत्य से जितना दूर हो जाते हैं वो उतना ही उसमें धर्म का ह्रास हो जाता है। इसलिए निवृत्ति क्रिया सत्य के सबसे निकट रहती है। अच्छा, और उससे बाद में निर्वासन क्रिया जो है, निष्काम क्रिया जो है, वो सत्य के पास रहती है, और जो सवासन क्रिया हो जाती है, सकाम क्रिया हो जाती है, उसका मुंह सत्य की ओर से घूमकर विषयों की ओर हो जाता है। तो समझदारी में चेतन का आविर्भाव होता है और सत्कर्म में सत्य का आविर्भाव होता है, और भक्ति में आनंद का, प्रेम में आनंद का आविर्भाव होता है। और जब तक जीवन में इन तीनों का आविर्भाव ना हो तब तक जीवन पूरा नहीं होता, अधूरा होता है। हमारी प्रत्येक क्रिया में, हम उपादान प्रकृति को नहीं मानते जगत का,
ये प्रकृति प्रकृति करते हैं ना सांख्य योग के संस्कार से संस्कृत लोग, अहम सर्वस्य प्रभव मानने वाले लोग, अहम सर्वस्य प्रभव, जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण कौन है कि भगवान का अहम। आप देखो यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, संपूर्ण जगत में कौन है कि सच्चिदानंद घन भगवान, मत स्थानी सर्वभूतानि मया ततमिदं सर्वम त्वया ततम विश्वमनंत रूप सर्वम समापनोसि ततोसि सर्वः। तो गीता के मत में जगत का उपादान न कर्म है, न मन है, न प्रकृति है, न शून्य है, साक्षात परमेश्वर ही वो मसाला है जिसमें ये दुनिया गढ़ी हुई मालूम पड़ती है, और परमेश्वर है सच्चिदानंद घन। तो संसार की हर स्थिति में, हर वस्तु में, हर स्थान में सच्चिदानंद का दर्शन होना चाहिए, नहीं होता है तो अपनी भूल है। परमेश्वर का दर्शन न होना ही अपनी भूल है, ये गीता का दृष्टिकोण है। तो प्रपन्न पारिजात हैं भगवान, आप जो चाहते हैं और नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो चाही जाने वाली स्थिति के पास आपको भगवान भेज देंगे। आप विषय चाहते हैं तो भगवान आपको विषय में भेज देंगे, आप उनसे एक हो जाइए, जड़ हो जाइए, कोई बात नहीं है। यदि आप कोई स्वर्गादि रूप लोक चाहते हैं तो भगवान वहाँ भेज देंगे, और यदि आप शांति चाहते हो तो भगवान आपको शांति में बैठा देंगे। कभी कोई बोल रहे थे भाई भगवान चाहे तब ये काम हो, तो प्रश्न है कि आप क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो बोले कि हम नहीं चाहते हैं। कि तब आप तो निष्काम बनना चाहते हैं और भगवान को सकाम बनाना चाहते हैं, क्या क्या उल्टी माया है कि हम तो भाई कुछ नहीं चाहते हैं, हमको तो सब बराबर है, हम तो समदर्शी हैं, हमारे लिए सब बराबर है, हम निष्काम हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। अब भगवान जो चाहे सो होए, जो चाहे सो होए। हाँ हाँ, तो भगवान सकाम है, भगवान वासनावान है। कि नहीं, वो तो तुम्हारी वासना पर आरूढ़ होके ही अपना सब काम करता है। इसी से भगवान को कहते हैं प्रपन्न पारिजात। अच्छा, अब प्रपन्न तो गीता में आप जानते हैं कौन है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न पारिजाता है का अर्थ हुआ अर्जुन पारिजाता है, अर्जुन के लिए कल्पवृक्ष है भगवान। अब देखो प्रपन्न का क्या अर्थ होता है, एक होता है शरणागत और एक होता है प्रपन्न। तो शरणागत सर्वथा निर्भर होता है भगवान पर, वो बिल्ली का बच्चा है, जैसे बिल्ली अपने मुंह से उठाते हैं बच्चे को, और बच्चा का हित जहाँ है वहाँ रखते हैं। और बानर का जो बच्चा है वो प्रपन्न है, वो अपने दोनों हाथ से बनरिया को पकड़े रखता है, इसको बोलते हैं मारजार और बानर। बानर की प्रपत्ति और मारजार की प्रपत्ति, शब्द यही दिया है उन्होंने। एक का नाम होता है दृप्त शरणागति और एक का नाम होता है आर्त शरणागति। हम बिल्कुल आर्त होकर भगवान के चरणों में पड़ गए वो दूसरा है, और दृप्त होके पकड़ लिया वो दूसरा है। दृप्त होके पकड़ना क्या है, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द बदोंगो तो। तो ये जो हृदय से जब जाओगे मर्द बदोंगो तो, इसमें दर्प है, तुम हमको छोड़कर जा नहीं सकते, तुम हमारे हम तुम्हारे। तो प्रपत्ति जो अर्जुन की है उसका अर्थ भी आप प्रपन्न का शब्द से देखें। हमारे शरीर में ये जो पांव में ऊपरी भाग है ना, तलवे के ऊपर का भाग, पंजा जिसको बोलते हैं, पंजा हिंदी में, इसको संस्कृत में प्रपद कहा जाता है। प्रपद जैसे पाद तल है और प्रपद है, तो बांव के नीचे यदि हाथ रहे तो उसको आर्त शरणागति बोलेंगे, और पांव के ऊपर भगवान का पंजा दोनों हाथ से पकड़ लिया आप नहीं छोड़ेंगे, हाँ, इसको प्रपत्ति कहेंगे। प्रपत्ति प्रपन्न माने हमने पकड़ लिया है। अर्जुन का कहना है कि हमने
तुम्हारे चरण पकड़ लिए हैं अब नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए भगवान पारिजात हो गए। पारिजात हो गए माने जो उसके लिए अभीष्ट था, तो पारिजात माने कल्पवृक्ष। अच्छा, ये भी दो तरह का होता है, एक जड़ कल्पवृक्ष और एक चेतन कल्पवृक्ष। तो देवताओं को जो कल्पवृक्ष मिला है वो जड़ है, उसके नीचे जाकर कोई मनोरथ करने से ऑटोमेटिक पूरा होता है। हाँ, और स्वभाव से ही कल्पवृक्ष के नीचे इच्छा करो तो पूरी हो जाएगी। अच्छा, भगवान के नीचे जाके इच्छा करने से वो ऑटोमेटिक पूरी नहीं होती। हाँ, भगवान सोच विचार के पूरा करते हैं। जड़ की शरणागति में और चेतन की शरणागति में, जड़ की प्रपत्ति में और चेतन की प्रपत्ति में अंतर होता है। तो कल्प वृक्ष के नीचे जाना एक जड़ के नीचे जाना है। हाँ, उसकी जड़ता इस लोक के वृक्षों की अपेक्षा कम है, वो सूक्ष्म दशा में है। कल्प वृक्ष सूक्ष्म तत्वों से, पंच तन्मात्राओं से बना हुआ, अपंचीकृत पंच तन्मात्राओं से बना हुआ। और भगवान जो हैं वो सच्चिदानंद घन कल्प वृक्ष है, इसलिए सदा के लिए इसका मंगल हो सत का ध्यान करते हैं। अच्छा, समझदारी से इसका मंगल हो माने हित का ध्यान रखते हैं, और हमारे आनंद में इसका आनंद हो इसका भी ध्यान रखते हैं। इसलिए भगवान को बोलते हैं प्रपन्न पारिजात। तो अब आपको फिर गीता का एक प्रसंग ध्यान में ले आते हैं। अर्जुन को गीता सुनकर क्या फल मिला इस पर एक ध्यान दें, और संजय को गीता सुन के क्या फल मिला इस पर भी एक ध्यान दें। फले न परिचीयते, किसी भी वस्तु का जो फल होता है उससे उसकी साधना का परिचय मिलता है। फले न परिचीयते, इसी से देखो गौतम क्या नाम है कणाद ने धर्म का लक्षण किया तो सीधे नहीं किया कि धर्म की ये पहचान है। उन्होंने कहा कि जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो उसका नाम धर्म है। धर्म की पहचान उन्होंने बताई फल से। अब वो अनुमानिक लोग, अनुमान प्रिय, ये न्याय वैशेषिक दर्शन जो है इनको अनुमान बहुत प्यारा है, इनको बोलते ही अनुमान रसिका तदाहु तर्क रसिका। तो इन्होंने कहा कहीं धुआं उठता दिखता है, अगर वहां जाने पर आग मिल जाए तब तो समझो कि तुमने सच्चा धुआं देखा था, और यदि आग न मिले तो वो धुआं ही झूठा था। तो धर्म का फल है अभ्युदय और निःश्रेयस। तो ये जहां होता है उससे पता लगता है कि इसके पहले धर्मानुष्ठान हुआ है। पूर्व मीमांसकों ने कहा कि शास्त्र प्रमाण से निःश्रेयस के हेतु के रूप में जो कर्तव्य प्राप्त है वो धर्म है। तो प्रमाण का अध्ययन पहले कर लेंगे फिर धर्म का निश्चय करेंगे। हमारे सूत्रकारों ने तो समझो कि वेद के बाद और बाकी सब शास्त्रों से पहले सूत्रों की स्थिति, कल्प सूत्र, हमारे श्रौत सूत्र, कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, ये सूत्र ग्रंथ जो हैं उनकी प्रामाणिकता बहुत प्राचीन है। तो वो कहते हैं कि जिसको करते समय ही जानकार लोग खुश हो जाए, वाह वाह ये बहुत बढ़िया काम करता है। देखो वर्तमान में धर्म बोध कहाँ है कि जिसको धर्म के जानकार जिस काम को करते देखकर खुश हो जाए कि वो हो ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसका नाम धर्म होता है। यम क्रियमाणम आर्याः प्रशंसन्ति, सूत्र ही है। अब देखो अर्जुन का फल, संजय का फल, श्रोता तो यही है। संजय अपने को श्रोता ही मानते हैं। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद् गुह्यम् अहम् परम, साक्षात कथयतो स्वयं। संजय अपने को श्रोता ही मानते हैं। तो दोनों के फल में अंतर है, अर्जुन के फल में और संजय के फल में। वो फल में क्या अंतर है कि अर्जुन को तो सकृत श्रवण मात्र से, एक बार श्रवण किया अर्जुन ने और उसके मुख से जो फल का उच्चारण हुआ वो एक बार तो उसने कहा मोहोयम विगतो ममा, ये मोहोयम विगतो ममा,
भवाप्यभूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्त कमद पत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। तो एक बार तो कहता है हमारा मोह विगत की वस्तु हो गई, माने पहले मोह था अब नहीं था। धर्म सम्मूढ़ चेता, पहले मैं धर्म सम्मूढ़ चेता था, मुझे बड़ा मोह था, अब तो बोले वो विगत की वस्तु हो गई है। इसका गुजराती में प्रयोग बिल्कुल ठीक ठीक करते हैं। जब कोई मकान लेना होता है, कोई वस्तु खरीदनी होती है, तो कहते हैं कि इसका विगत पूरा बताओ। विगत माने इतिहास इसका, था ये मकान किसने बनाया, किसकी जमीन पर बनाया, हक से बनाया, बेहक से बनाया, कायदे से लिया, बेकायदे लिया, इस पर कोई कर्ज वर्ज तो नहीं है। ये सब जो हो जानकारी हासिल होती है वो विगत उसको बोलते हैं। तो एक होती है प्रगति और एक होती है विगति। तो प्रगति का प्रगत हो जाता है और विगति का विगत हो जाता है। इसका इतिहास ठीक मालूम होना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि ये जो मोह मेरे अंदर आपने देखा वो अब नहीं है, बीत गई, चला गया। परंतु अंत में उसने कहा नष्टो मोह, बीत तो गया था परंतु दिख रहा था। अब नष्टो मोह का अर्थ है कि उसका दिखना भी लुप्त हो गया। संस्कृत भाषा में नष्ट शब्द का ऐसा ही अर्थ होता है, नष्ट अदर्शन है का। अजी मोह का आप कहीं पता नहीं है, जड़ मूल से मोह उखड़ गया। अर्जुन ने कोई अनुष्ठान तो किया नहीं, न उसने गीता सुनने के बाद आसन किया, न प्राणायाम किया, न ध्यान किया, न उपासना की। यही वेदांत है, इसका नाम वेदांत होता है। श्रवण मात्र से ही परमात्मा का दर्शन। तो मोह निवृत्त होता है ज्ञान से, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, उसका और कोई निवर्तक नहीं है। समाधि काल में अज्ञान की निवृत्ति के लिए वृत्ति ज्ञान जो होना चाहिए उसका दुश्मन वो नहीं होता। विक्षेप का तो दुश्मन है समाधि, परंतु अज्ञान का दुश्मन नहीं है। भक्ति जो है वो संसार के राग द्वेष का शत्रु है, परंतु अज्ञान का शत्रु नहीं है। हाँ, बेहोशी को तो भक्ति में स्वीकार किया जाता है, समाधि में भी बेहोशी को स्वीकार किया जाता है। तो यथा कथंचित अज्ञान के लिए भक्ति में हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। वो चाहे जैसे हों, ऐसे हों, वैसे हों, कैसे हों, भले हों, बुरे हैं, जो जगदीश तो अति भले। तो उसमें प्रेम जो है वो ये दावा नहीं करता कि हमको अपने प्रियतम के बारे में सब कुछ मालूम है। इसलिए अज्ञान का अत्यंत विरोधी प्रेम नहीं है, बल्कि प्रेम में तो कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे प्रेम हो जाता है उसकी बुराई भलाई दिखने लगती है, उसके गलत काम भी अच्छे दिखने लगते हैं। तो प्रेम अज्ञान का अत्यंत निवर्तक नहीं होता, और योग भी ज्ञान का अत्यंत निवर्तक नहीं होता, क्योंकि वो तो वृत्तियों का लोप करने में ही उसका तात्पर्य है, समाधि लग जाती है। तो मोह रूप जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है तत्व ज्ञान से। उसमें तो बिल्कुल जगमग 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 ऐसी चकमक चाहिए कि अंधकार की बिल्कुल निवृत्ति हो जाए। अब दूसरी बात जो अर्जुन ने कही वो भी विलक्षण है। वो कहता है स्मृतिर्लब्धा। स्मृतिर्लब्धा का अर्थ एक स्मृति, संजय की स्मृति एक नहीं है। आप देख लेना गीता के मूल में संस्मृत्य संस्मृत्य बोलते हैं संजय, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद में अद्भुतम। संस्मृत्य संस्मृत्य का क्या अर्थ हुआ? विच्छिद्य विच्छिद्य, टूट टूट कर, याद करके याद करके, याद करते हैं फिर टूटता है, याद करते हैं फिर टूटता है, याद करते हैं। ये जो त्वा प्रत्यय है जिसकी जगह पर ल्याप हुआ है ये संस्मृत्य में, ये व्याकरण की संज्ञा, तो उसका अर्थ ही है टूट टूट के, टूट 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 के याद आती है संजय को। और अर्जुन को ऐसी स्मृति प्राप्त हुई है जिसमें टूटना नहीं है। स्मृतिर लब्धा, एक अखंड स्मृति की प्राप्ति हो गई। अच्छा अब इसमें देखो अहम भाव नहीं है, हमको दो चीज मिली, अज्ञान मिट गया, ज्ञान से अज्ञान मिट गया और आपकी स्मृति मिल गई। तो बोले अर्जुन तुम बड़े
पौरुषवान हो। सचमुच तुमने बड़ी भारी साधना की, बड़ा भारी प्रयास किया। तो हम बात की सुनते हैं ना, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी सब बात उनके अहम भाव के इर्द गिर्द ही घूमती है। कोई भी बात करेंगे तो उसमें ये जरूर होगा कि हमारा ये, हमारा वो, ये हमारे साथ ऐसा हुआ। घूम फिर के उनकी चित्तवृत्ति जो है वो अहम भाव पर टूट पड़ती है। तो अर्जुन को मिली स्मृति, तो अब उनका अहम भाव जागना चाहिए। बोले नहीं, यहाँ अहम भाव नहीं जगता है। त्वत् प्रसादात, मार दिया। श्री कृष्ण ने कहा था तत् प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। ईश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुमको शांति मिलेगी और शाश्वत निष्ठा भी मिलेगी। तो अर्जुन को वो बात भाई नहीं। अर्जुन तो पहले ही कह चुका है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, आप ही हमारे ईश्वर हैं। कम से कम 100 बार अर्जुन को श्री कृष्ण ये कह चुके हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और उसके बाद कहते हैं अर्जुन से कि तुम उसकी शरण जाओ। तो यही कुछ है ना, ये कुछ बोलते हैं ना, कृष्ण बड़ा छलिया है। आप लोग वृंदावन कभी गए हैं? एक छैल चिकनिया मंदिर है, वहाँ मंदिर का नाम ही है छैल चिकनिया। बड़ा छैल है महाराज, छैला छैल चबीला। गोपियों ने तो कितव नाम ही रख छोड़ा है। ऐसा है, एक दिन एक गोपी मक्खन लिए जा रही थी छोटे से पात्र में। श्री कृष्ण ने कहा गोपी ये मक्खन तो बड़ा बढ़िया है, कैसा बढ़िया जमा है, कैसा स्वच्छ मालूम पड़ता है, कितनी सफाई से बनाया गया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मैं देखूं तो जरा। अब उसके हाथ में से ले लिया, देखने लगे तो देखते देखते फिर खाने लगे। खाने लगे तो गोपी ने कहा ये क्या करते हो? अरे मैं देवता को भोग लगाने के लिए ले जा रही थी। गोपी अभी क्या देवता को भोग नहीं लगा? बोले मक्खन मेरा है, मैं भोग लगाऊंगी। श्री कृष्ण बोले किम तव, क्या तुम्हारा है? तो उसी किम तव को गोपियों ने कितव बना दिया। माने दूसरे की चीज लेकर अगर कोई पूछे कि ये क्या तुम्हारा है, घड़ी किसी की देखे है और अपने हाथ में बांध ले और चल दे और वो कहे हमारी घड़ी लौटाओ तो कहे किम तव, उसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं कितव, कपटी छली। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से ये कहा कि तुम उस ईश्वर की शरण में जाओ, दो बार छल किया। एक बार तो ये छल किया कि बुद्धौ शरण मन्विच्छ, अपनी बुद्धि की शरण लो, तुम सोच विचार कर, जो तुम्हारी अक्कल काम कहे वो काम करो। एक छल ये था कि हम भाव के आश्रित जो बुद्धि है उसके अनुसार काम करो। दूसरा छल किया कि नहीं नहीं, बुद्धि न सही, बुद्धि का जो अंतर्यामी परमेश्वर है उसकी शरण में जाओ। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। उस हृद्देश स्थित सर्वांतर्यामी प्रभु की शरण लो। अर्जुन ने कहा बार बार कहते हो मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, और हमें शरण लेने के लिए अंतर्यामी के पास भेजते हो कि समाधि लगा के अंतर्मुख हो जाओ। न हम अपनी बुद्धि के कहे अनुसार करेंगे और न हम अंतर्यामी के पास जाएंगे मिलने के लिए। हम सामने वाले कृष्ण को छोड़कर अक्के चेन मधुबिंदे किम इच्छन पर्वतम ब्रजेत किमर्थम पर्वतम ब्रजेत, अक्के चेन मधुबिंदे तो यदि घर के कोने कोने में ही शहद मिल जाती है तो पहाड़ पर जाने की क्या जरूरत है। तो उसने अपनी बुद्धि भी छोड़ी और साथ साथ अंतर्यामी की प्रेरणा भी छोड़ी। अंतर्यामी की प्रेरणा में कुछ थोड़ा संदेह की गुंजाइश होती है। बहुत शुद्ध हृदय हो, निर्वासन हो, निष्पक्ष हो, तब तो वो अंतर्यामी की प्रेरणा को पहचान लेगा। नहीं तो अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं उसमें ऐसी मिलती हैं कि उसका लोप हो जाता है और हमारा पक्षपात हमारी वासना के साथ रहता है और हम उसी को ईश्वर की प्रेरणा समझ बैठते हैं। तो इसलिए बड़ी गड़बड़ होती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही होगा। तब तीसरी बात भगवान ने कही माम एकम शरणम व्रज, और फिर बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी ले ली।
तो अब अर्जुन पर कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अर्जुन ने कहा त्वत् प्रसादात्। अब इसमें भी ईश्वर पर एक बात आती है, वो ये बात आती है कि ईश्वर प्रसाद माने ईश्वर कभी खुश होके बिल्कुल प्रसन्न होके निर्मल होके सच्ची बात बताता है, और कभी यदि ईश्वर का प्रसाद न हो अप्रसाद हो तो वो भी गलत बात बता दे। तो ईश्वर का प्रसाद और अप्रसाद क्या है? जहाँ तक वो अपने को बुरके के अंदर पर्दे के अंदर माया जवनिका छन्न माया के पर्दे के भीतर ढकता है वहाँ तक तो माया भी है भाई। जादूगर जादू का खेल ही अगर दिखाना चाहता है अपने को नहीं दिखाना चाहता तो यही समझना चाहिए कि जादूगर अभी बिल्कुल खुश नहीं है। वो तुम्हारा मनोरंजन तो कर रहा है लेकिन वो माया का खेल ही क्यों दिखाता है, अपने आप को क्यों नहीं दिखाता? जादूगर जादू पर जादू तुम्हारे ऊपर डालता जा रहा है, हैं? और तुम उसको देखने में मगन हो और ये पहचानते ही नहीं कि आड़ में खड़ा होकर कौन ये जादू के खेल खेल रहा है। तो ये जो माया का पर्दा है ईश्वर के ऊपर यही अप्रसाद है ईश्वर का। अब तो महाराज अपनी माया हटा लो, अब तो जादू का खेल है ना, अब तो जादू में मत भरमाओ, जादू के खेल में मत भरमाओ, अब खुद आओ। तो त्वत् प्रसादात का अर्थ ये हुआ कि अब तुम बेपरद होकर हमारे सामने आ गए हो। ईश्वर का बेपरद हो जाना ही उसका प्रसाद है। अपनी ओर से हम यूं कहते हैं, वेदांतियों के बोलने का ढंग दूसरा है। वो कहते हैं कि ईश्वर में न कोई छल है न कपट है न माया है, वो तो ज्यों करता है। और उसने तो ईश्वर ने तो यहाँ तक रखा कि अपने पास अपना अंतःकरण ही नहीं रखा, जिसको वेदांती लोग बड़ी उत्तम शैली से इसका निरूपण करते हैं। कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः। कार्य अंतःकरण कार्य है, ये सिर्फ जीव को ही होता है और ईश्वर को नहीं होता। इसका देखो आप, जिसके लिए भूत होगा बीती बातें, अच्छा वो अपने बाप दादा परदादा की याद अपना वंश गोत याद करके कहाँ रखेगा, अपने अंतःकरण में। और जिसको भविष्य सूझता नहीं होगा उसको भविष्य में काम करने के लिए बहुत सारी कल्पनाएं चाहिए, तो कल्पनाओं को कहाँ रखेगा, अपने अंतःकरण में रखेगा। और इस समय जो रिश्तेदार नातेदार सब फैले हुए हैं दुनिया में, उनकी याद कहाँ रखेगा, अपने अंतःकरण में रखेगा। तो जीव को तो अंतःकरण रखना पड़ता है और उसका उपयोग होता है। और परमेश्वर जो है उसकी दृष्टि से कुछ भूत भविष्य नहीं होता है, उसकी एक ही सर्वतोमुखी दृष्टि है जिसमें हम लोगों का भूत वर्तमान भविष्य परमेश्वर के एक संकल्प में हमारा भूत वर्तमान भविष्य सब का सब है, उसके लिए परोक्ष नहीं है। परोक्ष ज्ञान ईश्वर को नहीं होता, ये बात सर्वमान्य है। ईश्वर को सर्वदा अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, ये बात रामानुज मध्व निम्बार्क शंकराचार्य की तो बात ही छोड़ दें, उनके यहाँ तो ज्ञान ही परोक्ष नहीं होता। शंकराचार्य के मत में ज्ञान अपने अंतःकरण में होता है, उसकी अज्ञात सत्ता नहीं होती और वो सदा अपरोक्ष ही रहता है। तो जीव का ज्ञान भी अपरोक्ष ही रहता है, ये शंकराचार्य का मत है। और ईश्वर के ज्ञान के बारे में तो सब भक्तों का मत है कि उसमें भूत भविष्य वर्तमान का कोई भेद नहीं है, वो तो एक प्रतीति है उसकी। तो उसको अंतःकरण रखने का उपयोग ही नहीं है कोई, ईश्वर को कार्योपाधिक है ही नहीं ईश्वर। तो अब देखो प्रसाद क्या हुआ, ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न है कि अप्रसन्न है? तो महात्मा से किसी ने पूछा कि ईश्वर हमारे ऊपर खुश है कि ना खुश है, तो उसने कहा कि तुम पहले बताओ कि अपने ऊपर बिल्कुल ठीक ठीक खुश हो तुम, अपने काम से अपने बोलन से अपने चरण से अपने गति से तुम अपने ऊपर बिल्कुल खुश हो। बोले कि नहीं जी, कुछ कुछ कमी तो मालूम पड़ती है। तो देखो तुमको ही अपने में जब थोड़ी थोड़ी कमी मालूम पड़ती है, अब स्वयं अपने ऊपर पूरे प्रसन्न नहीं हो है? तो ईश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न तुम्हारे अंतःकरण में बैठे, जब तुम्हारा अंतःकरण सुख प्रसन्न है सम प्रसन्न है, विषय प्राप्ति मूलक आनंद नहीं शांति मूलक आनंद जब तुम्हारे ऊपर आ रहा है,
ईश्वर प्रसन्न है। तो त्वत् प्रसादाकार की हुआ कि हमारे हृदय से जो हृदय से जो मोह था संसार का और संबंधियों का वो मिटा दिया भगवान ने और अपनी अखंड स्मृति दे दी भगवान ने, तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। भगवान स्वयं अच्युत है और उसका प्रसाद भी अच्युत है। च्युत उसको कहते हैं हो जो चू जाए, किसी बर्तन में पानी रखा है और चूने लगा, धीरे 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 चू गया तो उसको बोलेंगे च्युत। पेड़ पर आम का फल लगता है वो गिर गया तो उसको बोलेंगे च्युत, वो च्युत है। और अच्युत है माने जो कभी हमारे अंतकरण से चू नहीं जाता, टपक नहीं जाता, गिर नहीं जाता, वही रहता है। और वो रहता है तो परमेश्वर रूप परम प्रकाश के हमारे हृदय में रहते मोह क्यों आता है और उसकी स्मृति क्यों जाती है, हम उससे विमुख क्यों हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा अंतकरण विषयों के हृदय में विराजमान परमेश्वर के साथ मोह नहीं करता, उनके प्रति सन्मुख नहीं होता। भक्ति लोग भक्त लोग भक्ति सिद्धांत में ईश्वर के सम्मुख न होना ही ईश्वर की अप्राप्ति है ऐसा बोलते हैं। वैमुख्य ही ईश्वर की अप्राप्ति है, केवल वैमुख्य नित्य प्राप्त ईश्वर को सब मानते हैं। बोला शाक्त शैव गणपत सौर वैष्णव अद्वैती द्वैती जितने भी ईश्वर को मानने वाले हैं उनके मत में ईश्वर नित्य प्राप्त है। जीव और ईश्वर सखा है, नित्य दाता महात्मा लोग हमेशा परमेश्वर का दर्शन करते हैं। जब प्रश्न हुआ कि जब ईश्वर हमारे हृदय में अच्युत रूप से निवास करता है यही है तो वो दिखता क्यों नहीं। बोले भाई तुमने तो अपनी आँख को मुसाफिर खाना बना रखा है, हजार आए हजार गए, आँख उधर गई उधर गई, इनको चाहा उनको पाया उनको छोड़ा, तो किसी से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। तो वो अच्युत और उसका हमारे अंतकरण की प्रसन्नता, प्रसन्नता माने निर्मलता, निर्मलता माने हमारे अंतकरण में हमारे ज्ञान में ईश्वर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अंतकरण माने ज्ञान। बहुत सीधी सारी बात सुनाता हूँ, जो बारीकी है ना दाव बेच जो है बोलने की वो छोड़ दे, बोलने के दाव बेच को छोड़कर ही बात सुनाता हूँ कि अंतकरण माने ज्ञान। जब तक हमारे ज्ञान में छोटी छोटी दूसरी वस्तुएं आती हैं जाती हैं रहती हैं तब तक परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। और जब वो निर्भर हो जाता है, जब हमारे ज्ञान में सिवाय परमेश्वर के दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो ज्ञान अखंड एक सीतादत, ज्ञान अखंड एक सीतादत, ये ब्राह्मी अखंड ज्ञान के रूप में भगवान राम ही है और वो निरंतर हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो स्मृतिर मया लब्धा ये ठीक है, अच्छा नष्टो मोहा में मया नहीं है, नहीं तो नाशिता हो जाएगा अगर मया उसमें होगा तो। मोह मोह त्वत् प्रसादात मोहो नष्टः, त्वत् प्रसादात मया स्मृतिर लब्धा, तुम्हारी कृपा से अज्ञान निवृत्त हो गया और तुम्हारी कृपा से मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। इस दोनों में अहम नहीं है। अब देखो शुरू होता है मम की बात शुरू होते हैं, तो मम की जगह तो आ गया तव, स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव, इसमें अहम पद का भी लोप हो गया है। देखो है ही नहीं अहम, चाहिए यो बोलना कि अहम गत संदेहः स्थितोस्मि। अब यहां अस्मि क्रिया के बल से अहम पद का अध्याहार होता है, तो जहां अहम ही अध्याहित हो गया, मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा। एक 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 महात्मा कहीं बैठे थे
तो उनको पुलिस की शिकायत पे सिपाही ने आके पीट दिया, तो पीट दिया, चोट लगी, बेचारे चिल्लाने लगे कि इसने हमको मार दिया मार दिया मार दिया। तो कोई गांव का आदमी उधर से निकला, देखा अरे तो महात्मा जी हैं, प्रणाम किया, बोले महाराज आप क्यों चिल्लाते हैं? तो बोला कि पुलिस के सिपाही ने हमको पीटा है, तो आप हमारे साथ चलिए, बताइए किस सिपाही ने पीटा है, हम उसको पीटेंगे। तो बोले चलो भाई चलते हैं। तो जब उसके साथ चल के गए तो मिल गया सिपाही अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। तो उसने पूछा भगत ने कि महाराज यही सिपाही है जिसने आपको पीटा था? तो उन्होंने कहा कि भाई जो पीटा गया था मैं, वो मैं नहीं हूं, सिपाही तो वही हो सकता है परंतु मैं वह नहीं हूं, है ना। जो उस समय चिल्ला रहा था, जो दुखी हो रहा था, जो पीटने वाले को पीटने वाला मान रहा था, वो मैं अब नहीं हूं। वह सिपाही में तो वही परमेश्वर है जिसने पीटा था, वही है, परंतु जिसने अपने को पीटने वाला माना वो मैं ही बदल गया। और वो तो महाराज हाथ जोड़ के महाराज फिर है ना, फिर क्या करें। तो अब अर्जुन देखो, ये अर्जुन शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न बनने के समय भी अहम और माम, दो बार बोलने वाला अर्जुन, एक बार अहम बोलता है एक बार माम बोलता है। हमको किसी ने बताया था भाई, हमने तो नहीं गिना है, कि आजकल जो भाषा का प्रयोग होता है उसमें प्रत्येक 100 शब्दों की गिनती अगर की जाए तो उसमें 70 के लगभग अस्मत शब्द के प्रयोग मिलते हैं, मैं, मेरा, मेरे लिए, मेरा, मुझमें, ऐसा। हमने तो कोई भाषा का अनुसंधान किया नहीं है, और गीता में पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि गीता क्या है, ये तो श्री कृष्ण का मैं ही मैं है। जितनी बार गीता में मई, मया, अहम, मम का प्रयोग है उतनी बार किसी भी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं है। कुल मिलाकर अस्मत शब्द जो है वो गीता पर विजयी है, पर वो श्री कृष्ण का मैं है, अर्जुन का मैं नहीं है। अर्जुन अब बोलते हैं स्थितोस्मि, अहम कहां गया आपका, स्थित हूं। अच्छा दूसरी बात क्या हुई कि गत संदेह, स्थितोस्मि का अर्थ है स्थित प्रज्ञोस्मि, अहम स्थित प्रज्ञ समृत, हमारी बुद्धि में जो दावा डोलपना था वो चला गया। तो क्यों चला गया? गत संदेह, हमारा संदेह मिट गया। अच्छा संदेह मिट गया, ईश्वर कृपा से बहुत अच्छा हुआ। अब करिष्ये वचनम, अब ये तवा जो है अंत में ना, देखो ये तो गजब ढाका है, तव अहम स्थितोस्मि, तव अहम गत संदेह संवृत्त, गत संदेह उसमें, तव वचनम करिष्ये, ये करिष्ये जो है पंडित लोग कोई कर्मकांड करने वाले होंगे यहां तो उनको मालूम होगा, और बोधियाकरणों को भी मालूम है। वो बोलते हैं कभी यजमान के लिए संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं करिष्यामि, और करिष्य बिल्कुल ठीक पर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। करिष्य करिष्यामि का प्रयोग तब बोलते हैं जब फलम अन्य दानी चेत परस्मै करम। अब देखो अर्जुन क्या बोलते हैं, स्थितोस्मि माने चंचलता मिट गई, विक्षेप मिट गया। छठे अध्याय में अर्जुन कहते थे कि मन इतना चंचल है, तस्याहम निग्रहम मन ने वायोरिव सुदुस्तरम, वायु को बांध लेना जितना कठिन है, मन को बांध लेना उतना ही कठिन है। और भगवान ने कहा अर्जुन ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा तुम संदेह को काट डालो। अब अर्जुन का कहना है
कि ठीक है मेरा मैं मेरा नहीं रहा तुम्हारा हो गया तब और चंचलता मिट गई स्थिरता आ गई और कोई संशय अपने मन में ये संदेह शब्द जो है ये भी ये ढेर का वाचक है हो आप लोगों को ये ढेर जैसे कूड़े का ढेर होता है ना कूड़े का ढेर दिह उपचय उपचय माने राशि ढेर हड्डी मांस श्याम आदि का ढेर है ये शरीर और जब परस्पर विरुद्ध संकल्पों का ढेर हो जाता है अंतःकरण तब उसका नाम हो जाता है संदेह दाहिने जाएं कि बाएं जाएं ये करें कि न करें जब मन में द्वैत द्विधा का द्वैत गीता का द्वैत उभय कोट्यवगाहिनी वृत्ति किस किनारे पर जाएं किस किनारे पर एक आदमी नदी में बह रहा है अब वो चाहता तो है कि हम तैर के किनारे लग जाएं पर उसको ये द्वैत हो गया ये द्वैत हो गया डाउट बोलते हैं अंग्रेजी में कुछ ऐसा ही शब्द है हाँ हाँ ये द्वैत हो गया कि इस किनारे मेरा गांव है कि इस किनारे अब बताओ वो नदी पार करके नदी में तो बह रहा है पर लगे किस किनारे तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे संशय उभय कोट्यवगाहिनी वृत्ति ही संशय उसमें द्वैत आ गया तो अर्जुन को ये संदेह था यद्वादेन यदिवा नीवेयो जानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे भारतराष्ट्राः कथम भीष्म महम संख्ये ये भी संदेह है लड़े कि न लड़े भीष्म द्रोण को मारे कि न मारे हम उनको जीतेंगे कि वे हमको जीतेंगे बोल सारा संशय स्थितोस्मी गत संदेह सारा कूड़ा जो अपने दिमाग प्रसाद कहां से आएगा प्रसन्नता कहां से आएगी तो आप अर्जुन के फल पर ध्यान दें करिष्ये वचनं तव अब इसमें श्रवण मात्र से अर्जुन कृतार्थ हो गया उसको स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति हो गई संशय की निवृत्ति हो गई तत्व ज्ञान होकर मोह की निवृत्ति हो गई अखंड स्मृति संतान परंपरा की प्राप्ति हो गई अज्ञान की निवृत्ति अखंड स्मृति की प्राप्ति चंचलता की निवृत्ति और संशय की निवृत्ति और इसके बाद बोले कि अब मैं अपनी बात के अनुसार काम नहीं करूंगा अर्जुन की बात पर जरा ध्यान दो अर्जुन की बात क्या निकल गई थी मुंह से और बड़ी गड़बड़ निकले थे एक और तो कहता था शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम मैं तुम्हारा शिष्य हूं और मेरे लिए शासन करो मैं तुम्हारी शरण में हूं और ये बोलने के बाद उसके मुंह से क्या निकला न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उसके मुंह से निकला था न योत्से और श्री कृष्ण के मुंह से निकलता था तस्मात् युद्धस्वभारतः वो कहता था मैं नहीं लड़ूंगा श्री कृष्ण कहते थे लड़ो तो अब करिष्ये वचनं तव का अर्थ यह हुआ कि मैंने नहीं लड़ूंगा ये अपनी बात लौटा ली अब तुम्हारी आज्ञा के अनुसार काम करूंगा तो देखो आज्ञाकारित्व माने अर्जुन निष्कर्म नहीं हुआ परंतु उसके कर्म ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हैं अब उसकी जिम्मेवारी अर्जुन पर नहीं है ईश्वर कृष्ण पर है अच्छा और ना उसके मन में संदेह है और ना उसके मन में चंचलता है ना उसके मन में विस्मृति है ना उसके मन में मोह है ये हुआ कैसे ये केवल भगवान के श्रीमुख से गीता श्रवण करने के कारण गीता श्रवण करने मात्र से हुआ इसी को वेदांती लोग कहते हैं
श्रवण माने तात्पर्य ज्ञान, वाक्य ये वेदांतियों का पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक माने हमने एक परिभाषा बना दी। हमारे एक ट्रस्ट बना तो उसमें मूल में ये बात लिखी गई कि इस ट्रस्ट में जो उत्तराधिकारी होगा वो बंदी स्वामी होगा, है ना। तो टिप्पणी में लिखा गया कि यहां दंडी स्वामी का ये अर्थ है कि उसने विधि पूर्वक दंड लिया हो, बाद में भले छोड़ दिया हो, है ना। ये नहीं कि दंड रखता हो, दंडी स्वामी का अर्थ दंड रखने वाला नहीं है, दंडी स्वामी का अर्थ दंड लेकर छोड़ने वाला भी। ये हो गया ना, पारिभाषिक हो गया ना वहां दंडी स्वामी है। इसी तरह वेदांती लोग जब श्रवण शब्द का प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ कान से सुनना नहीं होता, श्रुतम भरति पापानि नहीं है, उसका अर्थ होता है जो श्रवण किया है उसके तात्पर्य का निश्चय। श्रवण माने निश्चयात्मक वृत्ति आदि वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति धीहि श्रवणम् भवेत्। श्रवण माने ऐसी बुद्धि, बुद्धि का नाम श्रवण है। अच्छा देखो, भक्तों के भी यही मानते हैं कि श्रवण स्वयं भक्ति है, श्रवण से भक्ति होती है वो दूसरी चीज है, और श्रवण साक्षात भक्ति है। तो अश्रवसम संजय कहते हैं हमने श्रवण किया, तो बहुत अच्छा आपने श्रवण किया। बोले अब क्या कर रहे हैं, तो अब उसका स्मरण कर रहे हैं, और अर्जुन वाली गति नहीं है ये, अब स्मरण कर रहे हैं। तो स्मरण से क्या होता है, स्मरण करके किस स्वर्ग में वैकुंठ में जाओगे। बोले कि बाबा वो तो हम नहीं चाहते ना जानते, संस्मृत्य संस्मृत्य रूप मत्यद्भुतम हरे है विस्मयो में महान राजन रोम हर्षच जायते। आश्चर्यचकित है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम्, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैवनं मन्य श्रोणोति। अभिमान टूट गया, अनिर्वचनीय विश्व सृष्टि को देख रहे हैं और तुरंत आनंद का, तत्काल आनंद का अनुभव हो रहा है। भक्ति और वेदांत दोनों में फल को अदृष्ट अपूर्व या लोकांतर व्यापी नहीं मानते हैं। वेदांतियों का कहना है कि भक्ति करने से तत्काल जो परमानंद का अनुभव होता है, तत्व ज्ञान होने से तत्काल जो परमानंद का अनुभव होता है, जो परमानंद पर पर्दा था वो हट गया, विस्मृति का पर्दा हट गया, अज्ञान का पर्दा हट गया, और तत्काल भक्त के हृदय में परमानंद समुद्र का उदय होने लगा। अब अंत में धृतराष्ट्र का भी नाम ले देते हैं क्योंकि प्रारंभ में लिया था ना। कहीं भी गीता में ये नहीं बताया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया तो अर्जुन तो है ना गत संदेह हो गया, भगवत इच्छा अनुसार कर्म होने लगा उससे, और संजय संस्मरण में संस्मृत्य संस्मृत्य मग्न हो गया आनंद में परमानंद में। धृतराष्ट्र को क्या हुआ भाई, तो वो कोई कुतूहली श्रोता खाना नहीं पड़ता है, उसको अपने बेटों का है ना, अपने भतीजों का इतिहास सुनना था, और उनके भीतर कोई उनके बीच में कोई नया संवाद हुआ था, वो अपने कल्याण के लिए संजय व्यास के प्रसाद से श्रवण कर रहे थे और अर्जुन श्री कृष्ण के प्रसाद से श्रवण कर रहे थे, और संजय धृतराष्ट्र के पूछने पर बोल तो रहे थे, परंतु जैसे शिष्य के हृदय में तत्व ज्ञान का संचार करना चाहिए वैसी योग्यता धृतराष्ट्र में नहीं थी। तो बोले कि तब कह दो कि धृतराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। बोले कि नहीं, ऐसे मत बोलो, यहां मौन ग्रहण करना अच्छा है, क्योंकि आगे चल के धृतराष्ट्र के किसी जन्म में ये गीता श्रवण का जो संस्कार है वो फल के रूप में उदय होगा, और फल के रूप में उदय होगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। पर अभी इसका भी चुप।